तारा तरना गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूं। एक शेर भी पढ़ने का मूड बन गया। अरे वाह भाई समू भैया। गुजरते लम्हों में सदियां करता हूं और प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूं। गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूं, प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूं। अरे लोग गिनाते हैं अपनी खूबियां, लेकिन लालमन मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूं। एक कटपी सुने आप। मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूं, तो आज तो धुंधली रात में अरे आज तो धुंधली रात में धरती पर है आसमां, और बता दे चांदनी उतना मन के आना चंदन तो। अरे आज तो धुंधली रात में। हमारे मृत्युंजय भैया हर साल कीर्तन यहाँ कराइए। हाँ ये मेरी गारंटी है, और बाबा पातालेश्वर की कृपा प्रतिवर साहब कीर्तन अपने इस पावन आंगन में कराया करिए, और निश्चित है कि आपका ये लान बहुत दूर तक जाएगा। इतने से तो आपका मध्य प्रदेश तक काम हो गया। इतने कार्यक्रम से आपका मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस लान का नाम हो गया, क्योंकि ये केएस म्यूजिक सिस्टम जहां पहुंचाते सबको। ये जब लोड करेंगे तो ये पहले बता देंगे स्थल किस प्रांगण में किन कलाकारों के द्वारा किसके द्वारा ये प्रस्तुति। और भगवान का कीर्तन कराने में पीछे मत रहिए। आप भगवान का कीर्तन करा रहे हैं, कोई नाच नौटंकी नहीं करा रहे, निश्चित आपको सफलता मिल जाएगी। कह रहा हूं बात आ गई, तर्ज हो गई। अब तर्ज के बाद थोड़ा मर्ज सुना दिया जाए। लौट के आए भरत लाल जब तो भैया राम न पाए, कहा गया मेरा भैया मैया मुझको दे बतलाए। माता कैकेयी से सवाल कर दिया महाराज भरतलाल जी महाराज ने, कहा मैया अरे मुझे सब कोई नजर आ रहा है, लेकिन जो मेरा सबसे प्यारा भैया है राम कहाँ है। सवाल जब आ गया तो कैकेयी ने कहा बेटा भरत राम तो वनवास चला गया।
ये सुनते ही भरत लाल जी महाराज विचलित हो गए और आंखों से आंसू आने लगे। कह लगे माँ, सबसे बड़ी माँ कौशल्या, दूसरी माँ सुमित्रा और तीसरी माँ महारानी कैकेयी। राम को वन भेज दिया। आज आपने थर्ड क्लास का काम कर दिया। महाराज भरत कहने लगे माँ सुनियो जिते संकीर्ण सोच से बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद है इस धरती का। कह रहा हूं महारानी सुनो, सुनियो चित संकीर्ण सोच से, अरे सत्यानाथ संसंगति कर दी। नहीं ऐसा भी होता है, जिस आंचल के छांव में तुमने पाला बड़ा कर दिया और उसी के तूने बनवास भेज दिया। एक को तूने बनवास ही बना दिया और एक के लिए सिंहासन दिखा दिया। महारानी कैकेयी सुनो, कहने लगे भरतलाल जी महाराज, अरे सुनियो जित संकीर्ण सोच से, अरे सत्यानाथ संस्कृति कर दी, अरे अपने अवध में अपनी श्रेणी, अपने अवध में अपनी श्रेणी अपराधी में अंकित कर दी। क्या किया, अरे ये क्या किया क्यों, अरे दिखलाया जो रूप माँ। एक माँ का रूप कैसा होता है संजय भैया, मुझे पहली बार सुन रहे हैं आप। कह रहा हूं एक माँ का रूप कैसा होता है, एक तुमा है क्या, अरे दिखलाया जो रूप माँ, दिखलाया जो रूप माँ, क्या आपके है अनुरूप माँ, और बदल सकती हो बोलो अपने कितने स्वरूप माँ। क्या बात है, बहुत अब भी कुछ बचा है, अब भी अगर कुछ बचा हो महारानी कैकेयी वो भी अपने मन का कर लीजिए। अरे तू तो मैया है और राम तेरा छैया है, जैसे ये छैया है तैसे वो छैया है। माँ दिखलाया, अरे दिखलाया, दिखलाया जो रूप माँ, क्या आपके है अनुरूप माँ, और बदल सकती हो बोलो अपने कितने स्वरूप माँ, छाव हो धूप माँ। अगर छाव है मैया अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा लेती है, अगर धूप है तो अपने आंचल के पल्लू को डाल के ठग लेती है कि मेरे लाडले को धूप ना लग पाए। अरे तू मैया वो है जो गीले में सोके और सूखे में सुला के बड़ा कर दिया, इसलिए महारानी छाव हो धूप माँ, अरे चलनी हो या सूप माँ, चलनी हो या सूप माँ, सागर हो या कूप माँ, अरे चलनी हो या सूप माँ, सागर हो या कूप माँ, और बदल सकती हो बोलो अपने कितने स्वरूप माँ, छाव हो धूप माँ, दिखलाया जो Thank you.
ये मेरी तरफ से टूटी फूटी प्रस्तुति रही हमारे